हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, काउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को बिल्कुल स्टार्टिंग से, 1.5-2 साल से ही बच्चों को काउंटिंग सिखाना, बिकॉज हर चीज जो भी वो अपने लाइफ में देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो काउंटिंग से रिलेट की जा सकती है। काउंट योर बिस्किट्स, काउंट योर स्लिपर्स, काउंट योर हेयर बैंड्स, काउंट योर टॉयज। तो हमें काउंटिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है और आप इसको बिल्कुल जब बच्चा बोलने लगता है तभी से शुरू कर सकते हैं। तो कैसे सिखाना है आज हम ये देखते हैं। तो दिस इज काउंटिंग रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। पहली चीज तो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा तो बच्चा मजे करेगा, देखेगा और सीखेगा। तो इसीलिए हमने बना दिया एक कैटरपिलर, कुछ भी आप बना सकते हैं। और अब हमें सिखानी है बच्चों को काउंटिंग, तो कैसे सिखाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कैसे लग रहा है आपको? इजंट इट बोरिंग? ऐसे नहीं सिखाना है। आप सिखाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. It is still better than the previous one. तो यही आप ट्रिक्स अपनाएंगे छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाने में। बहुत ईजी है अगर वो चीज़ फन वे में सिखाई जाए तो। इसीलिए हमें मस्ती करानी है, हो सके तो साथ में डांस भी कर लीजिए, इंजॉय भी कर लीजिए, एक्शंस भी कर लीजिए, बट थोड़ा सा फन वे में। सो दिस इज हाउ टू टीच द चिल्ड्रन विद फन। देखते हैं आप काउंट एंड टेल कैसे कराना है, बिकॉज इस तरह से आई एम श्योर बच्चा बहुत इजीली 1 to 20 काउंटिंग सीख चुका होगा। अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों को काउंट एंड टेल भी किस तरह से सिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो डियर पेरेंट्स, काउंटिंग तो हमने 20 तक सिखा देनी है, लेकिन काउंट एंड टेल का पहला स्टेप है काउंटिंग टिल 10। काउंट एंड टेल में हमें सिर्फ 10 ऑब्जेक्ट्स बच्चों से काउंट कराने हैं। अगर बच्चा बहुत इजीली अच्छे से इसको सीख गया है, फिर हम उसको फर्दर आगे भी ले जाएंगे। तो कराना कैसे है? लेफ्ट टू राइट, रैंडमली नहीं कराना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बच्चा इस तरह से हमेशा कंफ्यूज रहेगा। बच्चे को सिखाना है बेटा यहाँ से इधर और ऊपर से नीचे, और जब तक एक नंबर कंप्लीट ना हो जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिस इज द राइट वे, ऐसे नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चा ऐसे नहीं सीखेगा। बच्चा काउंटिंग अलग बोल रहा होगा और पॉइंट अलग कर रहा होगा ऑब्जेक्ट्स को। तो आपको ऐसे ही सिखाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये काउंटिंग आप अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेम काउंट एंड टेल को मैंने ट्री के अंदर दे दिया है। बच्चा जिस चीज से अट्रैक्टेड है, बच्चे को कार्स पसंद है, आप कार बना दीजिए। बच्चे को बटरफ्लाइज पसंद है, आप बटरफ्लाइज बना दीजिए। और इस तरह से नए नए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप काउंटिंग देंगे ताकि बच्चे को मजा आए देखने में भी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरा नंबर जब खत्म हो जाएगा 8,
फिर हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, 9, 10, ये पॉजेज एज अ पेरेंट आपको बच्चों को सिखाने हैं, साथ में अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स भी बनाने हैं ताकि बच्चा अट्रैक्टेड फील करे। चलिए देखते हैं कुछ और वर्कशीट्स। एक तो हमने बच्चे को 1 to 20 डायरेक्ट काउंटिंग सिखाई है, थोड़ा सा हमने उसके अंदर एक रिदम डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा तरीका है बच्चे को, ये राइम आपने बहुत कॉमन है सुनी ही होगी, 1 and 2 बकल माई शू। अब इसमें 1 and 2 नहीं हम बोलेंगे, हम बच्चे को 1 2 सिखाएंगे। मिनिमम से मिनिमम कन्फ्यूजन्स रखनी है बच्चे की लर्निंग में, तो 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर, 5 6 पिक अप द स्टिक्स, 7 8 ले देम स्ट्रेट, 9 10 अ बिग फैट हैंड। तो इस तरह से बच्चे को एंजॉय कराते हुए एक्शंस के साथ आप बच्चे को काउंटिंग लर्न कराएंगे, और ये राइम है आज के लिए, एक्टिविटी है इस वीक की, आप बच्चे को लर्न कराएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बच्चों को काउंटिंग सिखा चुके हैं, उनको काउंट करना भी सिखा चुके हैं, अब हम और थोड़ा प्रिसाइज करते जाएंगे। अब हम सिखाएंगे 1 1 लिखा है, 1 2 1 2 2 1 2 3 3। बच्चे को साथ साथ बस एक आइडेंटिफिकेशन कराना है काउंटिंग का, अभी के लिए बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा 1 2 3 तक ही सीख जाए, मोर देन इनफ। जिस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, 2 से लेकर 3 इयर्स तक, सिर्फ बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कराना है, काउंट एंड टेल सिखाना है। फिर काउंटिंग लिखनी कैसे सिखानी है, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। इसी तरह से सारे स्माइलीज काउंट कराइए, बच्चा एक साथ बैठ के नहीं करेगा, किसी दिन 5 करा दिया 5 तक, किसी दिन 7 और 8 काउंट करा दिया, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कहाँ पर लिखा है, ये रहा 7। इस तरह से आप बच्चे को कराएंगे। एक और वर्कशीट देख लेते हैं। इस वर्कशीट में मैंने थोड़ा सा सिमेट्री नहीं दी है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में पिक्चर्स नहीं बनाई है, हल्का सा ऊपर नीचे करके बनाया है, लेकिन ये इसलिए बनाया ताकि बच्चा ये जान ले कि कहीं भी ऑब्जेक्ट हो हमें कैसे काउंट करना है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, 1 2। सामने नहीं है तो हम नीचे नहीं आएंगे, सामने वाला ही देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे को काउंटिंग रीड करनी नहीं आती है, लेकिन साथ साथ आप देखिएगा बच्चा देख देख के काफी कुछ सीख जाएगा, बच्चे को बहुत सारा और बहुत जल्दी ये सारे डिजिट्स याद हो जाएंगी देख देख कर ही। अभी आपको सिर्फ काउंट एंड टेल रीड कराना है, वर्बली कराना है। अब आ गई है मेन वर्कशीट, इतनी सारी चीजें कराने के बाद आप कराएंगे जो कि लास्ट वर्कशीट है हमारी। सो दिस इज द वर्कशीट वेयर चाइल्ड विल बी काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स। यू हैव टू आस्क, बेटा काउंट द नंबर ऑफ लेडी फिंगर्स, 1 2 3 4 4 लेडी फिंगर्स। इस तरह से आप बच्चे को बोलना भी सिखाएंगे, ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिफाई करा पाएंगे। काउंट द टोमेटोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोमेटोज। आप देख रहे हैं जब तक हमने काउंटिंग का एक नंबर फिनिश नहीं किया है, हम दूसरे टमाटो पे नहीं गए हैं, ये चीज हमें बच्चे को सिखानी है। इसी तरह से काउंट द फ्लावर्स, 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे काउंट नहीं कराएंगे, 1 2 3 4 5 6, नो। जिस तरह से बच्चे को सिखाओगे बच्चा वैसे ही सीखेगा, लेफ्ट टू राइट और थोड़ा सा पॉज देते हुए, 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फ्लावर्स। तो देखा डियर पेरेंट्स कितना इजी है, बस थोड़ा सा फन, थोड़ा सा अट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट्स बना देंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चों को मजा आएगा देखने में, थोड़ा सा राइम ऐड कर देंगे, पोएटिक ऐड कर देंगे तो बच्चा बोलने में भी इंजॉय करेगा। यही चाहिए हमें बच्चों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है, करिएगा लाइक और करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे, लेकिन टाइमली मिलती रहे उसके लिए आपको करना होगा बेल आइकन प्रेस। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी, आप मुझे कर सकते हैं कॉन्टेक्ट @kidsdwarka@gmail.com। अगर आपको समझ आया, पसंद आया, इंजॉय किया, लगा के बच्चों के लिए फायदा होगा तो प्लीज करिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो चेक माई कुकिंग चैनल, दैट इज रुचि शर्मा कुकिंग, एंड इफ यू फाइंड इट गुड, अच्छी इजी क्विक रेसिपीज हैं, अगर पसंद आए तो प्लीज करिएगा उसको भी सब्सक्राइब, ताकि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हम अच्छा अच्छा जल्दी से हेल्दी हेल्दी पूरी फैमिली को खिला भी सकें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।